ते त्यों कहानी एक जमींदारी री कहानी। एक यीशु झीला रे बन्ने बिशोर थियो ते लोक केरी एक भीड़ी बड़ी शिक्षा देने लगोर थियो। ते सुनने ले इतरे लोग अकोठे भोए कि तड़ी पाव रखने री जगह न बची। अलहेले ते एक किश्ती मां चाड़ो जै पैनी मां थी ते लोकन शिक्षा देने लगो। यीशु तनन ई कहानी सुनाई। अक जमींदार उडार बेने निस्सो। जखन ते बीज शारने लगोर थियो त किछ बीज बत्ती मां बिछड़ू। पंचड़ो लई ए तन बीज सुनु। किछ बीज घोड़न बैली जमीनी मां बिछड़ू। जड़ी मिट्टी घट थी जन घोड़न बैली जमीनी पुड़ बिछड़ू तन बड़े जल्दी लगू ते तसेर निके निके पौधे लगे पन तन केरा जीला डूगा न थिया। ते जखन दिहाड़ो निस्सो त तन पौधे सुकी जे। किछ बीज झलन बाले जमीनी मां बिछड़ू ते लगू। जखन तन डाल बिडोने लगे तखन झल तना दबेई छाड़े ते अलेले झलन बैली जमीनी मां बिछड़े रे बीजे मरा निके निके बूटे लगे ते तन पुड़ कोई फल न लागो। किछ बीज रोड़ी जमीनी पुड़ बिछड़ू तन लागू ते तनी त्री गुना षठ गुना इड़ी तगर की सौ गुना फल दितो। जब भी परमेश्वर पति चलनो चाहते ते तस गली पुड़ ध्यान दे जन औ जोई रह रही। इस कहानी सी चेले उलझनी मां पे। अलेले यीशु तनन तै कहानी समझाई। तन बीज परमेश्वर वचने बत अक एरो मैनुए जै परमेश्वर वचन सुनते पन तस समझे ना फिर शैतान तस एता चोरता नेते। मतलब शैतान तस वचने समझने कर दूर रखते। घोड़न वाली जमीन एरो मैनुए जै परमेश्वर वचन सुनते ते खुशी सी तस कबूल भी करते पन जखन मुश्किल वक्त एते या होरे लोग तस तातन तो तै परमेश्वर कर दूर भई गाते। मतलब तै परमेश्वर पर विश्वास करनो शारते। झलन वाली जमीन एरो मैनुए जै परमेश्वर वचन सुनते पन तै बड़ी गल करे बारे में फिक्र करते तै बड़ो पैसों कमाने की कोशिश करते ते बड़ी चीज़ हासिल करने की कोशिश करते ते किश वक्त तेरे बाद तै परमेश्वर सी प्यार करने काबल न भोए तै तन गेहूं केरे डंठला के रुजरोए जन सी कोई फल न लगे। पन रोड़ी जमीन तै मैनुए जै परमेश्वर वचन सुनते ते तस पुड़ विश्वास करते ते फल भी आनते।